अस्सलाम वालेकुम जी एम एस जे रियल इस्टेट के साथ मेरा नाम दान्याल है और आज हम एक बड़ी मज़े की रियल इस्टेट आप लोगों के लिए ले आए हैं ये जो आप जगह देख रहे हैं बहुत ही ख़ूबसूरत और बहुत ही लग्ज़री और काम प्लेस पे हम लोग आए हुए हैं जिसका नाम फार्म हाउस है दस कनाल के ऊपर मुश्तमिल मुश्तमिले फार्म हाउस अवेलेबल है हमारे पास फॉर रेंट रेंट के ऊपर ये फार्म हाउस अवेलेबल है इसकी अंदर क्या क्या मौजूद है कितने कमरे इसके अंदर बने हुए हैं इसके अंदर क्या गार्डन एरिया है कहाँ पर आप लोग अपने जानवर शानवर रख सकते हैं मेन गेट की क्या सूरत हाल है नक्सी की तरह ये सारी डिटेल्स आपको इसी वीडियो के एंड तक मिल जाएंगी तो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके सबसे पहले मैं आपको इसका इसकी लोकेशन बताता हूं पार्क व्यू सिटी जो कि बहुत मशहूर और मरूफ बारह काऊ में वाली साइड पर आपको जगह मिलती है उसके बिल्कुल सामने ही बारा काऊ के अंदर ये फार्म हाउस बना हुआ है दस कनाल इसकी पूरी जो है वो डायमेंशन है यानी दस कनाल के ऊपर इसका पूरा रकबा है जिसके ऊपर ये फार्म हाउस बना हुआ है जो कंस्ट्रक्शन वाला एरिया है ये जगह जो आप लोग सामने देख रहे हैं ये फुली फर्निश्ड है और ये है तकरीबन डेढ़ कनाल के ऊपर बनी हुई और इसके साथ एन है जो कि तकरीबन पाँच एक मरला पे बनी हुई है और सर्वेंट क्वार्टर इस साइड पर अभी मैं आपको इसका सारा टूर देता हूँ सबसे पहले रेंट की बात कर लेते हैं एक साल का मिनिमम एग्रीमेंट होगा इसका रेंट का और उस एक साल के एग्रीमेंट के ऊपर जो महीने का रेंट है वो ये डिमांड कर रहे हैं साढ़े तीन लाख रुपया साढ़े तीन लाख रुपये में ये लग्जरी प्लेस ये काम प्लेस जहाँ पे आप सुकून मार सकते हैं फार्म हाउस में आके ये आपको मिल सकती है मंथली और इसकी तीन महीने की सिक्योरिटी ये डिमांड करते हैं और एक महीने का एडवांस रेंट अभी हम इसकी लोकेशन की मैंने आपको बात कर ली प्राइसिंग की भी बात होगी अब स्टार्ट करते हैं वीडियो का कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है और क्या क्या चीज़ें आपको इस फार्म हाउस में मिल सकती हैं जिसको आप इंजॉय कर सकते हैं सबसे पहले आपको इसका मैं मेन गेट दिखाता हूँ ये इसका मेन गेट है जो कि वाइट कलर में फुली मेटल का बना हुआ है और साथ इसके टाइल वर्क हुआ हुआ है अब मेन गेट इसका सिर्फ यही है यहाँ से ये पूरी बाउंड्री वॉल इसके दस कनाल के अराउंड घूमती हुई वापस आ जाती है यानी दूसरी किसी साइड से आप लोग एंटर नहीं हो सकते जैसे ही आप मेन गेट से एंटर होते हैं तो आपको सामने ये एरिया मिल जाता है जो कि आप इसको स्टार्ट या एंट्रेंस भी बोल सकते हैं और इसके नीचे जो है यह सीमेंट का काम इन्होंने किया हुआ है और उसके साथ बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपको पत्थर का इस्तेमाल मिल जाता है जो कि फार्म हाउस को बड़ी अच्छी लुक दे रहा है लेफ्ट साइड पे अगर आप लोग देखें यह ख़ूबसूरत दरख्त और ख़ूबसूरत प्लांटेशन की गई है जिसपे बहुत ज़्यादा परिंदे हैं अभी आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी साथ साथ ये आपको एक पूरी लाइन मिल जाती है लेफ्ट साइड पे और यहाँ से ये गैलरी मिल जाती है रोड के साथ साथ और वो एनेक्सी का एरिया है जहाँ पर आप अपने गेस्ट वगैरह को ठहरा सकते हैं और ड्राइंग रूम बना हुआ है राइट साइड पे अगर आप लोग गेट से खड़े होकर देखें तो आपको ये एरिया मिल जाता है जो कि ये जिसमें बैरियर बॉर्डर लगा हुआ है जिस जिसपे पत्थर का, का काम किया गया है दो बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं ये बड़े बड़े दरख्त यहाँ पर लगे हुए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं और कितनी छाऊँ हैं अभी इस टाइम पर फुल गर्मी में तीन बजे हम लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो टेम्परेचर बहुत ही लो है और कितने खूबसूरत मार्गला व्यू भी आपको इसका नज़र आ रहा होगा राइट साइड पर अगर आप लोग देखें तो ये सारी की सारी जगह भी मैं आपको कम्प्लीट विज़िट करवाऊँगा अंदर से वापस आने के बाद ये इन्होंने डरबे बनाए हुए हैं छः बाई चार के जहाँ पर आप मुर्गियाँ रख सकते हैं छोटे मोटे जानवर रख सकते हैं और यहाँ पे आप लोग आगे जाके मैं आपको सारा दिखाऊंगा प्लांटेशन वर्क क्या हुआ हुआ है सबसे पहले हम लोग इसकी मेन बिल्डिंग की तरफ चलते हैं नीचे अगर आप लोग देखें तो इस पर पत्थर लगा हुआ है और यही जॉगिंग ट्रैक सारा कंटिन्यू करता है और पूरे फार्म हाउस में घूमता है आगे चलते हैं तो आपको ये लॉन एरिया मिल जाता है जो कि कम्प्लीटली डिवेलप्ड है और इस पर बहुत अच्छा काम हुआ हुआ है और ग्रीन एरिया ग्रीन ग्रास आपको मिल जाता है जिसके अंदर चेयर्स पड़ी हैं और आप लोग बैठ के यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं चाय कॉफ़ी पी सकते हैं यही पत्थर वाला एरिया सीधा एक्सटेंडेड इस बिल्डिंग में इस लैंडमार्क में पहुंच जाता है जो कि आप लोग देख सकते हैं कि वाइट कलर की है और इसके ऊपर जो छत है वो रॉयल डिज़ाइन में बनाई गई है यहाँ पे आप लोगों को को थोड़ा सा सिटिंग एरिया मिल जाता है यहाँ पे भी नीचे पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और राइट साइड पे आपको ये बरामदा टाइप मिल जाता है इस बिल्डिंग का जिसको आप लोग देख सकते हैं वाइड विंडो पैनल्स और काफ़ी पीछे जाके यानी ये तकरीबन दस फुट का एरिया है और इसके अंदर सारे कमरे बने हुए हैं सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर ही लेके जाऊंगा ताकि अंदर जो बिल्डिंग में क्या क्या है वो आप लोग देख लें उसके बाद ये सारी सराउंडिंग का मैं विज़िट आपको बाद में कराऊंगा अभी हम लोग आपको अंदर ले कर चलते हैं सबसे पहले आप इसका ये जो बरामदा वाला एरिया है ये देख लें ये बड़े ही खूबसूरत डिज़ाइन में बना हुआ है नीचे इसमें एक रग भी आपको मिल जाता है यहाँ पर पड़ा हुआ साथ छोटे छोटे प्लांटेशन भी हैं अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ यहाँ पे अगर आप लोग देखते हैं तो दो आपको दरवाजे मिल जाते हैं एक दरवाज़ा इस साइड पे चलता है यहाँ से आप लोग अगर एंटर हो ये ख़ूबसूरत आपको टीवी लाउंज और डाइनिंग एरिया मिल जाता है अब इसके नीचे सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो पूरा मेपल वुड फ्लोरिंग है ताकि आपको एक रॉयल फील आए आपको वेकेशनल फ़ील आए और राइट साइड पर अगर आप लोग देखते हैं तो ये कैबिनेट्स लगे हुए हैं जिस जिसपे आप ख़ूबसूरत सीनरीज़ देख सकते हैं शो पीस देख सकते हैं कुरान पाक पड़ा हुआ है बुक्स पड़ी हुई हैं और ये सारा कॉन्टीन्यू है अलॉन्ग द वॉल लेफ्ट साइड पर आपको ये ड्रेसिंग भी मिल जाता है और साथ आपको डाइनिंग रूम मिल जाता है जिस पर तकरीबन आप आठ नौ बंदे बैठ के खाना खा सकते हैं ये देखें कितना खूबसूरत ये एरिया लेफ़्ट साइड पर अगर आप लोग देखें तो आपको सिटिंग स्पेस मिल जाती है सीलिंग चूँकि ये फार्म हाउस है इस पर बिल्कुल बेसिक रखी गई है और बीच में एक वार्म लाइट शेंडल लगा हुआ है नीचे अगर आप लोग देखें तो आपको ये सोफाज़ मिल जाते हैं ये फुली फर्निश्ड फार्म हाउस है अवेलेबल फॉर फॉर रेंट और राइट right साइड पे आपको एक ओपन स्पेस मिल जाती जाती है जिससे आप सामने लिविंग रूम में देख सकते हैं ड्रॉइंग रूम से आप सामने देखें तो ये आपको नजर आ जाते हैं दो पर्दे लगे हुए यहाँ से अगर आप सामने की तरफ देखें तो आपको लिविंग एरिया मिल जाता है और लिविंग एरिया में नीचे आपको रग मिल जाता है और टाइल का इस्तेमाल मिल जाता है और ये छोटा सा एरिया है जिसपे आप बैठ सकते हैं लेफ्ट साइड पे आपको इस फार्म हाउस में किचन मिल जाता है किचन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है बड़ा यूनिक और मॉडर्न डिज़ाइन में बना हुआ है ब्लैक इसमें नीचे कैबिनेट्स का इस्तेमाल किया गया है ये एक दरवाज़ा है जो कि बैक साइड पर जाता है गैलरी की तरफ और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये सारा का सारा किचन अवेलेबल है यहाँ पे बीच में फ्रिज भी रखी गई है तमाम यूटेंसल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे बर्तन धोने का सीन है और बाहर आप अपने पौधों को देख सकते हैं जो कि काफ़ी काम फील दे रहा है अभी हम लोग आगे चलते हैं बाकी कमरे आप लोगों को दिखाते हैं दो मास्टर बेडरूम भी हैं इस बिल्डिंग में वो भी आपको दिखाता हूँ सबसे पहले ये चिल्ड्रन रूम देख लें आप ये छोटा सा कमरा इन्होंने बनाया हुआ है जिसमें कोई भी बच्चा शच्चा रह सकता है या आप इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट इवेंट्स और ये भी काफ़ी अच्छी स्पेस है इसको आप यूज़ कर सकते हैं अभी हम आगे चलते हैं आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ ये साथ आपको मास्टर बेडरूम मिल जाता है जो कि आप लोग देख सकते हैं कंप्लीट मेपल वुड फ्लोरिंग के साथ है और साथ आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं बड़े खूबसूरत डिज़ाइन में ओल्ड डिज़ाइन में और ये इसका बेडरूम है जो कि किंग साइज़ बेड है पीछे तक आप देखें इसका साइज़ कितना बड़ा और रॉयल है इसका मैं आपको अगर वॉशरूम दिखाऊं तो ये इसका वॉशरूम है जिसमें ब्लैक टाइल्स का पाँच पाँच फुट तक टाइल्स आपको दीवारों पे मिल जाती हैं और नीचे भी सारी सहूलियात इसमें मुहैया आपको की गई हैं जैसे ही आप मास्टर बेडरूम से निकलते हैं और तो आपको ये ख़ूबसूरत टीवी लाउंज मिल जाता है जिसके अंदर आप टी वी मुलायजा कर सकते हैं तमाम यहाँ पर सोफ़े रखे जा चुके हैं एक दीवान भी आपको सामने नज़र आ रहा होगा और कॉर्नर्स पर आपको दो कबर्ड्स मिल जाती हैं जिसमें आप मुख्तफ चीज़ें प्लेस कर सकते हैं लेफ्ट साइड पर आपको एक बड़ा शीशा भी मिल जाता है इसमें और सीलिंग अगर आप लोग देखें तो बिल्कुल इसकी बेसिक है क्योंकि ये फार्म हाउस है राइट साइड पे आपको ये मास्टर बेडरूम मिल जाता है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसकी जो ये स्टडिंग टेबल आप इसको कह सकते हैं जहाँ पे लैंप पड़ा है ये बहुत ही कॉर्नर पे एक एलिगेंट फील दे रहा है और जो जो भी खिड़कियां हैं इसमें वो सारी की सारी बाहर की तरफ देख रही हैं और बाहर से आपको बड़ी अच्छी लाइट ग्रीन कलर में क्योंकि प्लांटेशन का बड़ा ख्याल रखा गया है वो आपको फ़ील होती है यहाँ पर यह सेम उसी तरह से नीचे मेपल वुड फ्लोरिंग रग्स मिल जाते हैं आपको और एक बीच में डिज़ाइन में आपको बना हुआ बेड मिल जाता है इसका वॉशरूम अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो ये है जिसमें टाइल काम हो का काम दीवारों पर भी किया गया ताकि सीपेज ना आए और नीचे भी टाइल का काम सेम उसी डिज़ाइन में किया गया और सारी सैनिटरी यहाँ पर आपको मिल जाती है ये दोनों कमरों से जब आप लोग बाहर निकलते हैं तो ये बरामदे से आप बाहर निकलें तो आपको यही व्यू मिल जाता है फार्म हाउस का जो मैंने आपको पहले दिखाया है कि यहाँ पे लॉन बना हुआ है ख़ूबसूरत और ये अभी आपको मैं सारा इसका अराउंड द इस बिल्डिंग सारा व्यू दिखाऊंगा कितने बड़े बड़े दरख्त आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लगे हुए हैं प्लानेशन का बहुत ख्याल रखा गया है जैसे अमूमन फार्म हाउसेज में होता है ये इसका थ्री सिक्सटी व्यू है जहाँ पे दरख्त ही दरख्त आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे अभी मैं इस जॉगिंग ट्रैक पे चलता जाता हूँ और साथ आप लोगों को दिखाता हूँ कि इसमें और क्या फ़ीचर्स हैं इस फार्म हाउस में ये बैक साइड का इसका गार्डन एरिया है जो कि इस बिल्डिंग के बैक साइड पे आपको मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा है सिंगल स्टोरी की आपको बिल्डिंग यहाँ पे मिल जाती है अब ये जो एरिया की तरफ मैं बढ़ता जा रहा हूँ ये एग्रीकल्चर लैंड है जो कि इसी फार्म हाउस के अंदर फीचर है यहाँ पे आप कोई भी एग्रीकल्चरल के हिसाब से टमाटर मूलियाँ सारा कुछ लगा सकते हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा एरिया तकरीबन कनाल से भी ज़्यादा है आपको सिर्फ और सिर्फ़ एग्रीकल्चर लैंड मिल जाती है और इसके सारे के सारी बाउंड्री आपको आपस में मिल जाती है अभी तीन कनाल इसका एरिया बताया जा रहा है जो कि सिर्फ़ एग्रीकल्चर लैंड है ये परिंदे आप लोग देखें कितने ज़्यादा यहाँ पर लगे हुए हैं ये वो एग्रीकल्चर लैंड है जिसके बारे में बात कर रहा था अब सर्वेंट क्वार्टर्स जो हैं वो ये सामने लगे बने हुए हैं और सर्वेंट क्वार्टर्स में अभी हम नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे फैमिली है लेकिन सर्वेंट क्वार्टर भी तीन कमरों पे मुश्तमिल है जिसके अंदर एक वॉशरूम एक किचन और दो कमरे आपको मिल जाते हैं तो सर्वेंट भी आपका आराम से ये जगह पर एग्रीकल्चर लैंड के साथ बिल्कुल आराम से रह सकते हैं सर्वेंट क्वार्टर के अगर आप लोग सामने एरिया देखें तो ये एरिया आपको मिल जाता है जो कि कम्पलीटली शेडो एरिया जिसको कहलाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे जो दरख्त हैं उनका साया इतना ज्यादा है कि यहाँ पे धूप नहीं पहुंचती तो बहुत ही ठंडी फील आ रही है इस साइड से अभी मैं आपको जाके अंदर जाके दिखाता हूँ ये सर्वेंट एरिया हो गया आपका जो ये ग्रीन पर्दा लगा हुआ है पीछे और ये आपको प्लांटेशन एरिया मिल जाता है जहाँ पे कंप्लीट शेडो है ये सामने फिर बड़ा लॉन आ जाता है लॉन मोर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी चूँकि बारिश हुई है तो हम लोग यहाँ पर नहीं जा सकते लेकिन ये एरिया बहुत ही पीसफुल है बहुत ही काम एरिया है और यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आपको नज़र आएगा कि ये सारा का सारा कीचड़ जहाँ पे पड़ा हुआ है यहाँ पे आगे बैम्बू ट्रीज़ लगे हुए हैं और उनका बहुत ही ज़्यादा साया आपको मिल जाता है जो कि बहुत ठंडी जगह आपको प्रोवाइड करता है अभी ये जो सारे डरबे बने हुए हैं ये तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 हैं जिसके अंदर छः बच चार के एरिया में आप कोई ना कोई मुर्गी कोई ना कोई छोटा जानवर आप रख सकते हैं क्योंकि फार्म हाउस है तो यहाँ पे आप फार्म लाइफ एंजॉय कर सकते हैं ये जो आपको पिंजरा मिल रहा है यहाँ पे आप मोर रख सकते हैं कोई भी ऐसा छोटा परिंदा रख सकते हैं आप लोग जो कि आप फॉर इंटरटेनमेंट परपज़ेज़ उसको देख सकें ये एरिया आपको सारा का सारा बर्ड केजेस का और तू बोल रहे भाई बड़े बड़े दरख्त आपको यहाँ पे आम के मिल जाते हैं जामन के मिल जाते हैं ये इसकी मेन लुक है इस बिल्डिंग की अभी मैं आपको एनएक्सी वाले एरिया में ले जाता हूँ जहाँ पे आप ड्राइंग रूम जिसको बोल सकते हैं जहाँ पे आप ये कह लें कि आपके जो गेस्ट्स हैं वो स्टे कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे इस बिल्डिंग के बिल्कुल राइट साइड पे एन एरिया है नीचे पत्थर का इस्तेमाल कंप्लीट हुआ हुआ है और यहाँ पे बारबेक्यू ग्रिल भी आपको मिल जाती है तमाम एडिड फीचर्स के साथ ताकि आप जब पिकनिक टाइम्स यहाँ पे स्पेंड करें तो आपको बारबेक्यू का भी मौका मिले ये इस बिल्डिंग की बैक साइड है कूलर आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है गीज़र तीन यहाँ पर लगे हुए हैं पानी बिजली गैस की जहाँ तक बात है तो वो इस फार्म हाउस में अवेलेबल है बोर यहाँ पे हुआ हुआ है जिसकी वजह से पानी यहाँ पे खुला डुला है जहाँ तक बात है पानी इलेक्ट्रिसिटी की तो वो भी यहाँ पे नहीं जाती गैस भी यहाँ पे अवेलेबल है अभी नेक्स्ट एरिया मैं आपको देता हूँ यहाँ पे आपको वज़ू करने के लिए भी जगह मिल जाती है जो कि ये है इसके साथ वॉशरूम आपको मिल जाता है एडेड सारी सैनिटरी के साथ यहाँ पे आपको एनेक्सी एरिया के साथ थोड़ा सा ये सिटिंग एरिया भी मिल जाता है और एक कमरा अंदर बना हुआ है और साथ वॉशरूम बना हुआ है तो व्यूअर्स ये था फार्म हाउस जिसका मैंने आपको कंप्लीट विज़िट करवाया है दस कनाल के ऊपर मुश्तमल ये फार्म हाउस है जिसके अंदर खूबसूरत फुली फर्निश्ड आपको इंटीरियर डिज़ाइन में बना हुआ ये बिल्डिंग मिल जाती है जिस जिसपे आप फैमिली वेकेशनल टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपको ये लॉन मिल जाता है आपको जानवर रखने के लिए मुख्तफ़ चीज़ें मिल जाती हैं सर्वेंट क्वार्टर्स मिल जाते हैं बहुत ही ख़ूबसूरत डिज़ाइन में ये सारा कुछ तैयार किया गया है तो अगर आप इसको रेंट पर लेना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप वोकेशनल टाइम स्पेंड करें तो नीचे मैं नंबर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आप इस पर राबता करके एम एस रियल इस्टेट के थ्रू इसकी कोई ना कोई डील बना सकते हैं तो ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉमेसन पहुँच सके थैंक यू अल्लाह हाफ़